हल्द्वानी से बड़ी खबर। हल्द्वानी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। स्वर्गीय इंदिरा हृदेश को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि के दौरान कई वरिष्ठ नेतागण भी रहेंगे मौजूद। प्रशासन तैयारियों में जुटा है। तो बड़ी क्षति जो कल इस पूरे देश में झेली, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री इंदिरा हृदेश के निधन के बाद कांग्रेस में शोक की लहर तो थी ही, बाकी साथ ही साथ विपक्षी दलों में भी शोक की लहर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंदिरा हृदेश एक ऐसी नेत्री थी जो पक्ष और विपक्ष में सेतु का काम करती थी, और इस तरह से वो उनकी व्यवहार को लेकर भी लोग उनकी काफी सराहना करते हैं, और अचानक हार्ट अटैक से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगली बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है। बालू लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आए दो सगे भाई, एक भाई की हुई मौके पर ही मौत, एक घायल। घायल बच्चे को डॉक्टर ने किया रेफर। ग्रामीणों ने लगाया अवैध खनन का आरोप। मृतक को सड़क पर रख मार्ग किया जाम। सेवाहरी थाना क्षेत्र की घटना। तो कुशीनगर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से दो भाइयों की मौत हो गई, माफ कीजिएगा एक की मौत हो गई, एक घायल है। घायल बच्चों को डॉक्टर ने रेफर किया है। वहीं अवैध खनन का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। मृतक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया। सेवरही के थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। वहीं राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक शुरू। दूसरे दिन की बैठक के समय में परिवर्तन। सर्किट हाउस में बैठक शुरू। बैठक में चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र मौजूद रहे। टाटा कंसल्टेंसी और एलएनटी के एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। पहले द्वितीय पानी में होनी थी बैठक, तो आज बैठक का है अंतिम दिन। दो दिवसीय दौरे पर थे हालांकि त्रिपेंद्र मिश्र। उसके बाद बता दें कि इस बैठक में मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा होनी थी, हालांकि कल भी इसको लेकर चर्चा हुई, जहां पे तमाम अधिकारी गण और सदस्य मौजूद रहे। टाटा कंसल्टेंसी और एलएनटी के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि चर्चा का विषय है मंदिर निर्माण और नींव पर काम। हालांकि हम आपको बता दें कि 5 लेयर की नींव पर काम पूरा हो चुका है। आगे के निर्माण को लेकर ये 2 दिन की बैठक रखी गई। तो सर्किट हाउस में बैठक शुरू हो गई है, नृपेंद्र मिश्र मौजूद है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।